सब्सक्राइब कीजिए चैनल जायकेदार खाने को और बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपके साथ मूंग के दाल के मंगोड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी। मूंग के दाल के मंगोड़े बारिश हो या सर्दी हो, जब भी बनाकर खाएं बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बारिश के मौसम में चाय के साथ तो इनका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 150 ग्राम छिलके वाली मूंग की दाल ली थी, इसको रात भर पानी में भिगो दिया है, अच्छी तरह से भीग गई है, सारा पानी इसका निथार दिया है, इसके छिलके नहीं निकालेंगे। ये बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी होते हैं और इनसे हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इस साइज के 4 अदरक के टुकड़े लिए हैं, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है, 2 स्मॉल साइज की प्याज इनको बारीक काट लिया है, 1/4 चम्मच नमक है, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच हींग है, 8-10 हरी मिर्चें इनको भी धोकर रख लिया है मैंने, इनके डंठल निकाल दिए हैं, 1 कटोरी धनिया की पत्तियां हैं, इनको धोकर साफ कर लिया है बारीक काट कर, जब दाल पिस जाएगी उसमें डालूंगी। एक मिक्सर का जार लेकर इसमें मैं ये अदरक के टुकड़े डाल देती हूँ, हरी मिर्चें भी डाल दूंगी, थोड़ी सी दाल में डालूंगी और हरी मिर्चें और अदरक को अच्छी तरह बारीक होने तक पीस लूंगी। दाल में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्चें और अदरक अच्छी तरह पिस जाएं, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि दाल पहले ही अच्छी तरह भीग चुकी है। चलिए तो इसको मैं पीस लेती हूँ। हरी मिर्चें और अदरक अच्छी तरह दरदरा पिस जाना चाहिए। देखिए हरी मिर्चें और अदरक अच्छी तरह पिस चुके हैं, ये हल्का दरदरा है, बस इसको हम इतना ही रखेंगे। इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब इसी जार में मैं और दाल डालकर पीस लेती हूँ। अब दाल को इतना बारीक नहीं करेंगे, हल्का सा इसको हम दरदरा ही रखेंगे। धुली हुई मूंग की दाल भी हम ले सकते हैं, पर छिलके वाली मूंग की दाल के मंगोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। चलिए इसी तरह मैं सारी दाल पीस लेती हूँ। देखिए फिर इस तरह से दरदरी दाल मैंने पीस ली है, दरदरी दाल ही हमें पीसना है, एकदम इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना है। मसाले मिलाऊंगी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, गर्म मसाला हींग, प्याज, नमक, धनिया पत्ती, मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। सारे मसाले मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें मैं एक खास इंग्रेडिएंट डालूंगी। हलवाइयों की दुकान पर आपने देखा होगा कि उनके मंगोड़े बहुत देर तक क्रिस्पी बने रहते हैं, मैं तो एक खास इंग्रेडिएंट डालते हैं जिसका सीक्रेट आज मैं आपको बताऊंगी। एक बड़े साइज का आलू लिया था, इसको मैंने छिलके निकाल कर अच्छी तरह धो लिया है और इसको एक किसनी की हेल्प से कस लिया है। देख ली इस तरह से इसके मैंने लच्छे बनाए हैं। जब दाल और सारे मसाले मिक्स कर लें इसके बाद ही आलू किसकर इसमें मिलाएंगे। अगर आलू को हम पहले से किसकर रख लेंगे तो वे लाल हो जाएगा और पानी में डालेंगे, पानी इसके साथ मिक्स हो जाएगा और हमारे मंगोड़े नरम हो जाएंगे। इसलिए दाल पीसने और सारे मसाले मिलाने के बाद ही आलू को किसकर फौरन ही इसको दाल में मिला दें। इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। आलू मिलाने से बहुत ही क्रिस्पी मंगोड़े बनते हैं। मसाले मिक्स करने के बाद मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। मंगोड़े फ्राई करने के लिए तेल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, इसे मैं थोड़ा सा बेटर डालकर देखूंगी। देखिए तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेती हूँ। इस तरह से छोटे छोटे मंगोड़े मैं इसमें डालूंगी। मंगोड़ों का साइज हम अपने पसंद से रख सकते हैं, छोटे मीडियम। मैं मीडियम साइज के मंगोड़े बनाऊंगी। गैस की फ्लेम को हाई कर लेती हूँ। इन मंगोड़ों को पलट पलट कर अच्छी क्रिस्पी ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूंगी। हाथों से इनको उलटते पलटते रहें ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए। सारे मंगोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, देखिए कितना अच्छा इनका कलर आया है। ज्यादा इनको ब्राउन नहीं करेंगे नहीं तो ये कड़क हो जाएंगे। मंगोड़ों के साथ अक्सर होता है कि वे कड़क हो जाते हैं। चलिए तो इनको अब मैं निकाल लेती हूँ। तेल निथार निथार कर इनको मैं निकाल लूंगी और बाकी के बचे हुए बैटर से भी मैं मंगोड़े बना देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बेहतरीन जबरदस्त मंगोड़े बन चुके हैं, बहुत ही टेस्टी मंगोड़े बने हैं। इनको हम अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर, हरी मिर्च की चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। देखिए मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कितने अच्छे मंगोड़े बने हैं। बाहर से उतने ही क्रिस्पी और अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। गर्मा गर्म मंगोड़ों को देखकर किसी के मुंह में भी पानी आना लाजमी है। तो बारिश के सुहाने मौसम में आप भी इस तरह से मूंग दाल के लिए मंगोड़े जरूर बनाइए, सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे, सभी आपकी तारीफ करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।